बीजेपी जो गवर्नमेंट है मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। लोकतंत्र में जो आम जनता है वो ज़्यादा बड़ी होती है लीडर से, बट हम क्यों उम्मीद करें उनसे कुछ अच्छा बोलेंगे, वो इस प्रकार के ही लोग हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है, तो इसलिए जो 2024 इलेक्शन होगा उसमें एक शायद पॉजिटिव आउटकम होगा, क्योंकि हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है, सीए प्रोटेस्ट हुआ है, अभी मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट जल्दी होगा, रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुआ है, रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेक्शुअल असॉल्ट का मामला, एक इंसान को बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, और अगर उसको फंसाया जाएगा तो यहाँ पर सब लोग फंसेंगे, एक इंसान नहीं फंसेगा, बहुत लोग फंसेंगे। हम उनका चरित्र खराब करें, उनका चरित्र पहले से ही खराब है, हम लोग उसको कोई खराब नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही ऐसी ऐसी हरकतें करके हमारे देश का चरित्र भी खराब कर रहे हैं। मैं खुद हिमाचल से हूँ, जिस लड़की को डर लगा, जो जो लड़की इस चीज़ को समझ रही है ढंग से, वो डर के मारे आज यहाँ आ रही है, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हमारा तो वही हाल होगा जो अंकित का हुआ था। मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट में, सिस्टम से मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, मुझे अपने लोकतंत्र से उम्मीद है, मुझे अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से उम्मीद है। आप हिटलर से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, वो वर्ल्ड पीस की बात करेगा, आप गांधी से ही एक्सपेक्ट करोगे, तो अब मैं नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद नहीं करूंगी, जितना इंसान को पता होगा उतना ही इंसान बोलेगा। देर आर डेज व्हेन नथिंग हैपन एंड देन देयर इज वन डे व्हेन रेवोल्यूशंस हैपन। एक लड़की को सबसे पहले तो कितना ज़्यादा करेज चाहिए होता है बोलने के लिए कि इस प्रकार का मामला है ना, और उसके बाद वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस पोस्ट पे बैठने के बाद अगर लड़कियाँ उनके खिलाफ एक मामला लेके आ रही है, और एक लड़की नहीं इतनी सारी लड़कियाँ आ रही है, उसके बाद भी उस इंसान के अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है, साफ दिख रहा है सिस्टम का पार्ट है और सिस्टमेटिकली ऑप्रेस करने की कोशिश हो रही है। आरोप को निराधार बता रहे, कह रहे षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस चीज का ये झूठा आरोप है? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, किस चीज का, क्या चरित्र उनके खिलाफ पहले से इतने केसेस है, खुद वो ओपनली बोलते हैं एक ही मर्डर किया मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, खुलेआम ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं, फिर भी सांसद बने हुए, वो ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं, फिर उनको हम उनका चरित्र खराब करें, उनका चरित्र पहले से ही खराब है, हम लोग उसको कोई खराब नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही ऐसी ऐसी हरकतें करके हमारे देश का चरित्र भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि वही खुद सांसद है। राजनीति कर रहे हैं कि आगे चल के चुनाव लड़ेंगे? सर राजनीति सबसे बड़ी तैयार कर रहे हैं, सर राजनीति सबसे बड़ी तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हम लोगों के साथ खेलती है, सिस्टमैटिकली कैसे ऑप्रेस कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, पहले पुलिस को बुला के फालतू में मारना स्टार्ट करते हैं, शराब पी के पुलिस वालों को भेजते हैं, पुलिस वालों को भी डर नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से ये लोग को पता है ये कुछ भी करेंगे ये लोग निकल जाएंगे इस चीज़ से। पुलिस तो अमित शाह के अंडर में आती है, पुलिस क्या लगता है इसके पीछे अमित शाह का भी हाथ है? सर जो अमित शाह ऑर्डर देंगे वही चीज़ें होंगी ना कंट्री में, वही चीज़ दिल्ली पुलिस करेगी, तो अभी आप किसी को भी उठा के आप जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म में शर्म आती है सोचते हुए भी कि जंतर मंतर आप कहीं और हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से अरेस्ट किया डिटेन किया चलो कर लिया, पर आप जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म से डिटेन कर रहे हो लोगों को, जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को उठा रहे हो बसेस में भर रहे हो, तो फिर कहाँ जाएगा एक इंसान अपना? और ऊपर से हमें एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में भी तो नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशनली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो कि जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म में आप लोगों को डिटेन कर रहे हो ले जा रहे हो, तो शर्मनाक चीज़ है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि घर जाइए धरना खत्म करिए जांच होने दीजिए। सर मैं मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है, लोकतंत्र में जो आम जनता है वो ज़्यादा बड़ी होती है लीडर से, बट उन लोगों के बारे में कुछ बात करना ही बेकार है, क्योंकि जिस मनुवादी विचारधारा को लेके वो इस सत्ता पे आए हैं वो विचारधारा उनकी वैसी ही है, तो वो वैसी चीज़ें बोलेंगे ना, हम क्यों उम्मीद करें उनसे कुछ अच्छा बोलेंगे, वो इस प्रकार के ही लोग हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है, तो इसलिए जो 2024 इलेक्शन होगा उसमें एक शायद पॉजिटिव आउटकम होगा, क्योंकि हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है, सीए प्रोटेस्ट हुआ है, अभी मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट जल्दी होगा, रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता वो इस बजरंग बली को इंसाफ दिलवा रहे हैं, किसी एक बजरंग दल वालों को ये लोग बजरंग बली जैसी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आप किस प्रकार का चीज़ें बोल रहे हो, मतलब हद ही है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ, कोविड के टाइम हमें भी याद है, वो तो उन्होंने कवर अप कर लिया, कोविड हमें भी याद है किस तरह से लोग डिस्प्लेस हुए थे, बट ये सारे मुद्दे जो हैं इनके बारे में बाद में भी बात की जा सकती है, बट अभी जो नॉर्मल सा मामला है, रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेक्शुअल असॉल्ट का मामला, एक इंसान को बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, और अगर उसको फंसाया जाएगा तो यहाँ पर सब लोग फंसेंगे, एक इंसान नहीं फंसेगा, बहुत लोग फंसेंगे, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। कौन कौन आएगा उसमें फंसने, जो आप कह रहे हैं? सर जो जो लोग अभी चुप बैठे हैं, अगर वो एक आम इंसान तो प्रधानमंत्री भी हैं, हाँ तो उनकी भी बात कर रही हूँ मैं, वो एक प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे उनके चुप रहने पर क्या बोलेंगे आप?
मैं उनके उनको बारे में कुछ बोलना उनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहती कुछ बोल के, क्योंकि उनके सोच ही वैसे, उनके विचार ही वैसे, किसी इंसान का विचार वैसे होगा तो वो क्यों बोलेगा, उनकी मनोवादी विचारधारा है, तो मैं उनसे क्यों उम्मीद करूँ, मतलब मैं उनसे उम्मीद ही नहीं करती हूँ। जी ने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री से जब मिली थी इसका जिक्र किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मतलब उस हिसाब से नहीं बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं लिया। सर हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, इतने सारे अंकिता का हुआ मर्डर, इतने सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ों के बाद अब ये वो लोग भी बैठे हैं, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे, उनका विचार ही वैसे उनसे बात करके क्या है, लेकिन वो बिठा नहीं रहे, बहन के साथ नहीं है, बबीता बबीता इनके सपोर्ट में, कह रहे बहन ही घर वाले नहीं साथ में तो कौन आएगा। सर इनका घर शायद पूरा देश है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैंने इनका हरियाणा वाले से आके बैठे हैं, ये तो एक परिवार का धरना बता रहे हैं ये। नहीं 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 भैया भैया मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, 7 बजे मार्च। सबसे पहले तो ये सिर्फ हरियाणा का प्रोटेस्ट, ये लोग जानबूझ के तो गोदी मीडिया है और साथ में जो ये लोग हैं, ये वैसा एक ग्रामशीन टेक्निक होती है ना, जो हमारी कंट्री में शायद लोगों को नहीं पता होगा, जो आरएसएस बहुत अच्छे से यूज़ करता है अपने वे में, तो उस प्रकार से दिमाग लोगों के दिमाग में फीड कर रहे हैं चीज़ें कि ये एक ही परिवार है, तुम लोग मत जाओ। मैं खुद हिमाचल से हूँ, जिस जिस लड़की को डर लगा, जो जो लड़की इस चीज़ को समझ रही है ढंग से, वो डर के मारे आज यहाँ आ रही है, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हमारा तो वही हाल होगा जो अंकित का हुआ था। सर आप किन किन लोगों को बिठा रहे हो, आप मैरी कॉम को बिठा रहे हो जो खुद बीजेपी से राज्यसभा की मेंबर है, आप उन लोगों को बिठा रहे हो जो आपके सिस्टम का पहले से हिस्सा है, आप न्यूट्रली लोगों को नहीं बिठा रहे हो, आप चैनल में डिबेट भी देखोगे आप तो ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिनका मानसिकता जो दिमाग है वो अपने ये हिंदू मुसलमान से ऊपर सोच ही नहीं पाती है, आप अच्छे अच्छे जेंडर स्टडीज वाले प्रोफेसर को क्यों नहीं बिठाते जो उसको एज अ पेट्रियार्कल मैटर देखती है और ढंग से डिबेट करती है, तो इस प्रकार का आप सिस्टम बिठा रहे हो, इस प्रकार के आप लोगों को बिठा रहे हो, तो आपसे हम से क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी, हम किस तरफ से एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, कैसे बिठाना चाहिए। देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट इनको लेना पड़ा, मतलब जो फार्मर्स जो फार्म लॉस्ट है इनको वापस लेने पड़े, इनसे हम हाथ जोड़ के मांगेंगे, मतलब हमसे भीख नहीं मांगना चाहते, हम अपना हक मांग रहे हैं, तो उनसे जब तक पहले इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, इन लोगों नहीं माना है नेगोशिएट करके, क्योंकि इन लोगों के सर अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है हम लोग, तो उम्मीद तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उम्मीद के वजह से एक होप था, इसलिए 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, एक होप है इसलिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, बट अब किस प्रकार से उसका आउटकम होता है वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा है कि देर आर डेज व्हेन नथिंग हैपन एंड देन देयर इज वन डे व्हेन रेवोल्यूशंस हैपन। कहा जा रहा है आप लोग खुद थक करके चली जाइएगा यहाँ से, क्या कहा जा रहा खुद थक करके आप लोग चली जाइएगा यहाँ से, खुद थक के यहाँ से चले जाइए। सर वो 13 महीने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, और हर और इस इनफैक्ट ये एक महिला पे अटैक कर रहे हो, तो एज अ महिला मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ महिला किसान आंदोलन महिलाओं का मैटर है, तो मैं एज अ महिला ये कहना चाहूँगी कि एक वुमेन के लिए तो एवरी डे इज अ स्ट्रगल, तो यहाँ पर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या सर अदालत में जाइए तो यहाँ बैठने से क्या फायदा दिख रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि एफआईआर हो जाना चाहिए, हो गया नहीं, ऑर्डर जो दिया था एफआईआर हो जाना चाहिए, एफआईआर हो गया, बट वो एफआईआर कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना पड़ा, बल्कि जब हमारा राइट ही है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो इमीडिएटली जब कोई ला रहा है तभी हो जाना चाहिए। मैम मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी बड़ी महिला एंकर्स हैं, वो चुप है महिला के मुद्दे पे, उसे कैसे देखती है? सर ये जो मनुवादी लोग आप हिटलर से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, वो वर्ल्ड पीस की बात करेगा, आप गांधी से ही एक्सपेक्ट करोगे, तो अब मैं नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद नहीं करूँगी, जितना इंसान को पता होगा उतना ही इंसान बोलेगा। आपको किससे उम्मीद है, उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर मैं उनसे कुछ मुझे उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद है आपको? मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट में, सिस्टम से मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, मुझे अपने लोकतंत्र से उम्मीद है, मुझे अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से उम्मीद है, तो यहाँ पर जितने मास आएगा, जितना लोग यहाँ पर आएगा एकत्रित होगा, स्पेशली जो महिला जितनी यहाँ पर बैठेगी वो लोग डरेंगे इस हमारे इनकलाब के नारों से डरेंगे, तभी वो इस चीज़ को वापस। हाँ।